अक्सर जवानी के दिनों में सब कोई पैसे और लड़की के पीछे भागते हैं। लोगों को ना अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और ना ही जीवन में होता है कोई लक्ष्य। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाद में जाके अपने लिए एक मुकाम हासिल करते हैं, सोचते हैं इस समाज के लिए। चलिए सुनते हैं ऐसे ही एक लड़के की कहानी जो हम सबके लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। बेटा शाम होने का है, अब तो घर आ जा और कितना खेलेगा, हाथ पैर धुल के जल्दी आ जा। आंटी आंटी, आपके बेटा मुझे फिर से मारा, वो हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। हे भगवान, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। सूरज, कितनी बार बोला तू नहीं सुधरेगा, जब देखो दूसरे से झगड़ा करता आता है। पता नहीं इस लड़के को लेके मैं क्या करूं। ऐसे ही हंसते खेलते उसका बचपना भरा जीवन अब जवानी के कगार पे है। परिवारों के सभी बड़े बुजुर्गों के साथ अक्सर मनमुटाव होता है, क्योंकि ये लड़का आज भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा। कुछ ऐसे ही परिस्थितियों में उसने अपनी सफर की शुरुआत की। पहली बार खुद के काबिलियत को समझने के लिए वो घर छोड़ के दिल्ली आया, जहाँ जिंदगी ने कुछ नए परेशानियाँ रखे थे उसके लिए। अरे ओए बेटे, देख बर्गर के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, और अपने शादी में बीवी के लिए नहीं वेट किया जितना देर बर्गर करना पड़ रहा है। जल्दी ले आकर दे दो, नहीं बोलो तो मैं जा रहा हूँ। सर सुनिए, हाँ बोलिए सर। मुझसे काम नहीं हो पाएगा। क्यों सर? वहाँ पे किसी ने पॉटी करके ब्रश भी नहीं किया, मेरे को उल्टी आ रही थी। चुपचाप जितना बोला है उतना कर, जाके वॉशरूम साफ कर, उसके बाद और एक काम देता हूँ। सर लेकिन। लेकिन क्या? अरे यार थोड़ी दे रहा हूँ, फ्री में करने को थोड़ी बोल रहा हूँ, पैसे तो दे रहा हूँ ना इस चीज के। पता नहीं अनपढ़ गवार कहाँ से आते हैं। सर मेरे को कोई और काम दीजिए, मैं कर लूंगा, बट ये काम उससे नहीं आता। तो और क्या मतलब यार, तुम अपना औकात देख लियो, अपना चेहरा देख लियो। यहाँ ना ऑर्डर देने के लिए भी अंग्रेजी बोलना पड़ता है, वो तो तुमसे होगा नहीं। जाके पोटी साफ कर वरना दफा हो जा। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के। क्या मैं यही करने के लिए आया हूँ यहाँ? क्या यही मतलब है मेरी जिंदगी का? क्या मुझे कोई हक नहीं एक अच्छी जिंदगी का? नहीं, मुझे बहुत मेहनत करना है, अपने माँ के लिए, अपने परिवार के लिए, वो सब हासिल करना है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जिंदगी अपना पता, जिंदगी कुछ तो बता। मैडम अकाउंट आए खाता ओपन। समझ में नहीं आ रहा क्या चाहिए तुमको, हिंदी में बोलो ना।
यस, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? सर, मुझे आपके बैंक में खाता खोलना है। अच्छी तरह से हिंदी बोल लेते हो, वहाँ पे क्या हुआ आपका? सर, मुझे अंग्रेजी सीखना है, मेरे एक दोस्त ने बताया था जितना मैं अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करूँगा उतनी मेरी अंग्रेजी अच्छी होगी। देखना सर, एक ना एक दिन मैं अच्छी अंग्रेजी बोल लूँगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सही बोला आपने दोस्त। एक काम करो, शाम 6 बजे इस एड्रेस पे आ जाओ। जिंदगी की राहों में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हमारे अंदर वो देख लेते हैं जो शायद हम कभी ना देख पाए। ऐसे ही कुछ इंसानों के मार्गदर्शन और खुद की जीतोड़ मेहनत के बाद लड़के ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अपनी कदम रखी कॉरपोरेट दुनिया में। सूरज, तेरे को 10 रिज्यूमे भेजा है, जल्दी फॉर्मेट करके दे। है वो सब कोई किसी न किसी रिक्रूटर से हायर हुआ था। हम लोग वो है जो दुनिया के भीड़ में से टैलेंट को ढूंढते हैं और उसको काम देते हैं अपने काबिलियत के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात, यहाँ तुम बहुत पैसा कमा सकते हो और अपने सभी सपने भी पूरे कर सकते हो। लेकिन मैं आपका डायरेक्ट मैनेजर नहीं हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ। यू हैव टू लर्न बाई योर सेल्फ। आई विल शो यू द रोड मैप। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों। You need anything else, sir? No, thank you. So, okay. So, you're fine this weekend? Okay, we can definitely meet. I'm very excited about it. Okay. So, you're meeting your nephew as well? That's nice. Okay. Okay. Oh, yeah, sure. Hey, hi, Geeta. Please do come here. Yes, sir. Sure. I was just hearing your conversation. Your communication is very good. So, may I know the reason you to do this job? Well, so because I do not have financial support from my family. Because of that reason, I have to quit this education in between. So, as a dropped-out student, I don't find any better job than what I'm doing right now. So, I have to take up this job because I need to support my family financially. Geeta, you are hired. So, what? You are hired. Sir, are you serious? No, you will be joining from tomorrow and you will be directly working with me. Oh my God, sir, it's very surprising. I'm so happy and very glad. Excuse me, may I come in? Come, Suraj. Come, sit. Would you like to have something, Suraj?
No, thank you, that's fine. यहाँ पे अपना ही मनमर्जी चला रखे हो, कंपनी का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपको पता है ना, बिना ग्रेजुएशन के बंदे हम लोग हायर नहीं कर सकते। बट उसके पास तो बहुत टैलेंट है सर, मैं उसको पर्सनली ट्रेन कर सकता हूँ। बट क्या रूल्स और पॉलिसी, अगर बंदे का टैलेंट देखेंगे ना। आप एक चीज समझ रखो, मेरी कंपनी में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक नहीं कर सकता, चाहे वो डायरेक्टर क्यों ना हो। बट कोई जरूरतमंद की मदद करना क्या हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है? आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तभी दिखाना जब खुद की कंपनी खोले, यहाँ पे ये सब नहीं चाहिए। ठीक है सर। हे भगवान, ये कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं जहाँ कोई एक दूसरे की मदद करना नहीं चाहता, एक दूसरे के बारे में सोचना नहीं चाहता? क्या यही है हमारी वजूद? इतनी कंपनीज को मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, करोड़ों का बिजनेस करवा दिया, लेकिन आज गीता की मदद ना कर पाके सच में बहुत मजबूर लग रहा हूँ। अब समय आ गया है कि मैं उन लोगों की कुछ मदद करूँ जिनके लिए और कोई नहीं सोचता। लेट्स क्रिएट अ प्लेस वेयर क्रिएटिविटी मीट्स इंटीग्रिटी। लेट्स मेक अ चेंज। ऐसे ही एक फाउंडेशन का जन्म हुआ जहाँ पे टैलेंट की कदर है, एक जगह जो सिखाता है एक दूसरे के साथ खड़े रहना कोई भी सिचुएशन हो, एक दूसरे की मदद करना। एंड आई एम ग्लैड टू से दैट ये स्टोरी मेरे ही एक फ्रेंड की है, एक भाई की है, एक मेंटोर की है, जो मुझे और ना जाने मेरी तरह कितनों को हाथ पकड़ के उठाए हैं, अपने पैरों पे खड़ा किया है। आँख बंद करता हूँ तो आज भी वो दिन याद आता है जब आप मुझ पे भरोसा किए और अपने साथ जुड़ने का मौका दिया था। फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड द जर्नी, फ्रॉम टू वी बिकेम फोर एंड द होल फ्लोर। आप हमेशा सिखाए हैं जीवन में ऐसी समय भी आएगी जब सिचुएशन आपके हक में नहीं होगा, जब लगेगा सारी दुनिया आपके खिलाफ है, जब लगेगा और नहीं हो पा रहा है मुझसे। लेकिन खुद के ऊपर उम्मीद और भरोसा कभी भी नहीं खोनी चाहिए। यू विल फॉल डाउन, यू विल स्टॉप मैनी टाइम्स, बट इट्स यू हु विल स्टैंड अप एंड रन अगेन। हैव ए फेथ ऑन यू एंड नेवर लूज द होप। A big thanks to that lady who holds our finger and gave us the right direction, taught us the right things, created the foundation, supported us there when the whole world is against. Thank you, Ma, for make us who we are. Thank you for watching this video. Friends, agar aapko content pasand aaya, please is channel ko like kare, subscribe kare, and don't forget to press the bell icon, jisse aapko next video ka नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार।